Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Green Hell. Alright guys, तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि इस गेम के अंदर हम लोग Amazon के बहुत खतरनाक रेन फॉरेस्ट, मतलब कि बहुत खतरनाक घने जंगलों के बीच बुरी तरह भटक चुके हैं और हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ के जानवरों से, यहाँ के आदिवासियों से और यहाँ के इंसेक्ट से. सबके सब जहरीले हैं भाई, कसम से. लास्ट टाइम ना मैंने एक आदिवासी, मतलब जो ट्राइब के यहाँ के बंदे हैं, उनको मारा था. वो शायद से ना हंटिंग के लिए, अपना खाना वाना इकट्ठा करने के लिए आए हुए थे. मुझे दिख गए, मैंने उसे मारा और उससे मुझे ह्यूमन मीट मिला. मुझे लग रहा था इसे खाएंगे तो थोड़ा हेल्थी होगा, हेल्थ बहुत तेज बढ़ेगी. और जैसे मैंने उसे खाया भाई साहब, पता नहीं दिमाग में क्या जादू टोने चलने लग गए, कुछ समझ ही नहीं आया और उसके बाद हम लोग मर गए. वैसे हाँ, लास्ट एपिसोड में ना गाइस, मैंने एक क्रोकोडाइल को भी मारा था और उसको मारने के बाद मुझे बहुत सारा खाना मिला था, बट वो खाना सारा का सारा वेस्ट हो गया. क्योंकि क्या होता है ना कि खाना अगर ज़्यादा दिन का पुराना पड़े होता है तो सीधी सी बात है वो ख़राब हो जाता है. तो बैग में खाली पीली की जगह घेर रहा है, इसे उठा के मैं फेंक देता हूँ. और ये है वो ह्यूमन मीट जो कि मुझे उन आदिवासियों को मार के मिला था. तो सीधी सी बात है, जब हम लोग उनसे मर गए थे तो अपना जो गेम है वो लास्ट सेव लोकेशन से कंटिन्यू हुआ है. तो जहाँ तक मुझे याद है ना, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से आगे गए थे और आगे जाके मुझे एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पर कोई ना कोई इंसान कुछ टाइम पहले आया हो. जैसे कि आप लोग ये वाली लोकेशन देखोगे, ये एक अलग सा ही ना कैंप बना हुआ है. तो आदिवासी जो होते हैं वो ये सब चीज़ नहीं बनाते, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई नॉर्मल ह्यूमन अपने आसपास है. तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ में चलते हैं. वैसे गाइस, अभी ना एक प्रॉब्लम है, ये देखो मेरे हाथ में ना लास्ट टाइम एक कीड़ा वीड़ा काटा था, जिस वजह से अभी भी इसमें प्रॉब्लम चल रही है. तो मैं एक बैंडेज बना के इसमें लगा देता हूँ. तो ये लिली ड्रेसिंग कर दिया मैंने. अगर मैंने इसका इलाज नहीं करा तो बाद में मुझे फीवर हो जाएगा, फिर मेरी तबीयत ख़राब होती जाएगी और थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, मतलब मरने वाला सीन हो जाएगा. तो ये सब ना हो, इससे बढ़िया अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं. लेट्स गो. अभी मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा थोड़ी देर में. बाकी हाँ, वेट, अभी भी शायद कोई प्रॉब्लम है क्या हमारी बॉडी में? यहाँ पर सर्च करने का आ रहा है. ओ भाई, ये देखो कैसे चिपके हुए हैं ये. निकलो यहाँ से. दूसरे पैर में भी है क्या? ओ तेरी भाई, मैं कहीं से गिरा हूँ और उसकी वजह से स्क्रैच आ रखा है. तो मैं इसको डायरेक्टली एक बैंडेज बना लेता हूँ. वैसे इस पर टोबैको लीफ लग जाती ना, तो ये मतलब सारा जड़ी बूटियों वाला काम है. जंगल में हमें बैंडेज थोड़ी मिलेगी, तो जो अच्छी पत्ती है वही लगा सकते हैं हम लोग. तो इसको पैर पर भी लगाते हैं. बाकी यहाँ से आगे चल के देखते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है. भाई देखो, ओ वेट, यहाँ पर एक ट्रोटो टॉयज है. पता नहीं टर्टल और मैं दोनों में कंफ्यूज आता हूँ. शायद टर्टल नहीं, ऐसे ट्रोटो टॉयज ही बोलते हैं. तेरी ऐसी की तैसी. निकल यहाँ से. मार दिया इसको. बेचारे को मारना बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि कुछ ज़्यादा स्लो होता है, इसमें निशाना बड़ी आराम से लग जाता है. लेट्स गो. सॉरी यार टर्टल, मुझे बट तेरे को मारना पड़ता है क्योंकि अभी ये जो टर्टल का ये है ना, इससे शायद से हम लोग इसमें पानी इकट्ठा कर सकते हैं बारिश के टाइम पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. बाकी यहाँ मैं अपनी इन्वेंट्री में थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ. एक एक्स्ट्रा बैंडेज बना के ना छोटी सी पैक करके साइड में रख देते हैं, अगर हमें कोई चोट वगैरह लगेगी तो ये तुरंत यूज़ में आ जाएगी. बाकी हाँ, अभी मैंने एक टर्टल की बॉडी खोली है तो मुझे अपनी बॉडी वॉश करनी होगी, वरना पता है सीन क्या होता है, अगर बॉडी वॉश नहीं करेंगे ना तो फिर जो जितना भी गंद होता है ना उस पर सारे इंसेक्ट चिपकते हैं. आपने देखा होगा, मतलब ये बिल्कुल ना रियल लाइफ है. जैसे कोई भी गंदी जगह होती है तो वहाँ पर मक्खी मच्छर आ जाते हैं ना, तो ऐसी गंदी चीज़ें हमारे हाथ में लगे रहेगी तो हमारे हाथ में भी वो मक्खी मच्छर आ जाएंगे, जिससे बीमारियां हो सकती है. बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं अपने आप को खुद को बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ये लिली ड्रेसिंग मिल चुकी है. तो ये मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर मॉलन एरियाज हैं, इसको भी मैं ले लेता हूँ. लेट्स गो. ये मेरे को मिल गया मॉलन एरिया. इसी से गाइस वो बैंडेज बनती है, मतलब ये एकदम बेसिक सिंपल जड़ी बूटी है सिंपल भाषा में. यहाँ पर कुछ फ्रूट हैं. हाँ यार, मुझे भूख लग रही है, मुझे फ्रूट सबसे पहले खा लेने चाहिए. बाकी ये है वो जगह जहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था. और वैसे ना अभी बारिश हो रही है और बारिश का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये. ओके, तो हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं. ये देखो, इस जगह की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर पहले कोई ना कोई इंसान आया है. देखो यहाँ पर ये कोकोनट गिरे हुए हैं, इधर कैंप फायर बना हुआ है, काफ़ी सारी बैम्बू स्टिक पड़ी हुई है, बैम्बू लॉग पड़े हुए हैं. तो ये सारे किसी इंसान ने उठा के रखे हैं, बस यही मैं कह रहा था. बाकी इसको नीचे फेंकते हैं, इसमें पानी इकट्ठा होगा. ये इसको मैं फूड खा लेता हूँ ना आराम से, एकदम ईट करते से इसे भी खा लेता हूँ. लेट्स गो. आगे कुछ पड़े हुए हैं ये कोकोनट, इसको फोड़ते हैं जल्दी से. इसको भी अभी मैं सारा पानी इसका पीने वाला हूँ भाई, बहुत तेज प्यास भूख सब लग रही है मेरे को. लाओ भाई, ये बैग में रखो, ये भी बैग में रखो. यहाँ पर एक क्रॉसबो है, ओ मतलब नॉर्मल बो है, इसको मुझे उठा कर. ये वाला जो भाला है ना मेरा बैम्बू वाला, ये तो ठीक है पर ये स्टोन वाला बेकार है.
तो इसकी जगह मैं ये बो रख देता हूँ। हाँ अब एकदम ओके है। यहाँ पे कुछ ये अननोन मशरूम पड़े हुए हैं रेड वाले, और इनसे शायद सैनिटी दूर होती है, मतलब दिमाग जो चकराने लगता है ना वो ठीक हो जाता है। मतलब भाई देखो जंगल में उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, तो कुछ भी गलत खाओ ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। खैर यहाँ पे पानी है, मैं पानी पी लेता हूँ सारा। इधर भी पानी है, ये भी पी लेते हैं। अभी हम लोग उविट, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास से कोई सांप गया हो। अरे नहीं यार, मैं बार बार ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ, वो सांप नहीं है यहाँ पर ना, वो इगुआना घूमते हैं, तो शायद से वो इगुआना का ही साउंड होता है, बिल्कुल सांप की तरह आता है। बाकी हाँ मुझे यहाँ से ना आज आगे बढ़ना होगा। ये देखो ये रहा, इसकी मैं बात कर रहा था, ये है इगुआना। ओ वेट भाई साहब, यहाँ पे मुझे एक और केव मिल गया भाई। मतलब इस जंगल में इतने सारी केव है ना, और सारे के सारे फूल एकदम हॉरर लगते हैं। यहाँ पे एक बैम्बू स्टिक है, बैम्बू स्टिक किसी काम की नहीं है। सामने एक बिच्छू है स्कॉर्पियन, इसको मैं मार देता हूँ, क्योंकि अगर इसने काट लिया ना तो इसका जहर। ओ तेरी काट लिया, ये मरा नहीं था क्या? अरे यार मेरा निशाना गलत था, ये मरा नहीं, अब मरा है यार ये। इसने मेरे पैर में काट लिया, रुक जाओ मुझे देखना होगा इसने कहाँ पे काटा है। यार दिक्कत ही दिक्कत है इस जंगल में, कहाँ काटा है, यहाँ तो ठीक हूँ मैं, यहाँ ओ यहाँ पर इसने काटा है। मुझे सिंपल इसमें ना लिली ड्रेसिंग लगा देनी चाहिए। सही है, अपने पास इलाज पड़ा हुआ था, तुरंत की तुरंत हम लोग ठीक भी हो जाएंगे। यार क्या ही दुश्मनी है भाई इन लोग की मेरे से। यहाँ पर भी कुछ रास्ते हैं, अंदर की तरफ हम लोग चलते हैं। वो देखो सामने सांप बैठा हुआ है, और ये बिच्छू भी यहाँ पर। रुक जाओ पहले मैं इसका मुंह फोड़ देता हूँ। चुप थी, पीछे रह, चुपचाप एकदम। इधर आ तू, इधर आ, तेरी मैं निकल, तू भी यहाँ से। दोनों को मार दिया। हाँ भाई उधम मचा रखा है। बाकी ये जो केव है, ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह। यहाँ पर एक स्नेल है, ये मरा हुआ है ना? हाँ ये मरा हुआ है, ठीक है इसको उठा लेता हूँ। यहाँ पर तो कुछ पानी पड़ा हुआ है, पर ये पानी ऊपर से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, जैसे यही एग्जिट हो। बट मैं ऊपर जाऊँगा कहाँ से, मुझे 0% आइडिया है। और यहाँ पर ये यार ये गुफा ना काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया टाइप है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं भूल गया कि मैं कहाँ से आया था। हाँ मैं यहीं से आया था। और अभी मेरे को भाई कितने अलग अलग से रास्ते हैं, ये वाला रास्ता भी जा रहा है, आगे वाला बंद है, यहाँ को मैं आया था, और यहाँ राइट में ओके ही राइट। भाई वो जो बंदा यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, ये देखो उसका सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ये कैन है, इसके अंदर बहुत सारा खाना होगा, और इधर एक नोटबुक है, इसे हम लोग रीड करते हैं। ट्यूजडे टू वर्किंग एट द बोट्स। भाई यहाँ पर जो बंदे काम करते हैं ना, वो ड्रग लैब जो हमें पीछे मिली थी, ये उसी का सामान है सारा। बाकी यहाँ पर कुछ कोकोनट है, ये मैं फोड़ के ले लेता हूँ सारे के सारे। इसको भी फोड़ देते हैं, इसको मुझे उठा लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये कुछ एम्प्टी कैन है गाइस, मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि एम्प्टी कैन का क्या यूज़ होता है। और यहाँ पर कुछ चिप्स के पैकेट भी पड़े हुए हैं। इधर अपना एकदम प्योर शेल्टर है जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर सो सकते हैं। वैसे यार मुझे ना सो जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत खाना वगैरह पका लेना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके भी मैं क्या ही कर लूँगा। एक बार मैं चेक करता हूँ, मियाँ से बात करते हैं, क्योंकि क्या पता वही इस केव में आई हूँ पहले। I hope you found something useful. Yeah, bahut zyada useful hai. I'd be able to learn a thing or two from the way the shelter was built. That's great. Yaar ye Mia ko koi idea nahi hai is jagah ka. Yahan par binoculars bhi pade hue hain. Main thodi der so jaunga yahan par. Yaar campfire hai kya? Hum log thoda bahut khana wagaira bhi paka le. Campfire bahar hai. Guys, chal ke na khana paka lete hain. Fir next day hum log yahan se aage badhenge, theek hai? Kyunki khana hona bahut zyada zaruri hai. Yahan par ekdam sab kuch pada hua hai na khana. Oh, dekho. यार इगुआना, इसको मैंने कभी मारा नहीं है यार, ये थोड़े क्यूट से लगते हैं, मतलब थोड़े छिपकली टाइप हैं, बट हाँ क्यूट ही है एक टाइप से, तो मैं इसे नहीं मारूंगा कभी भी, ठीक है। तो भी हम लोग यहाँ से, ओ वाओ यहाँ पर मुझे कुछ मशरूम्स मिले, ये सारे के सारे मैं उठा लेता हूँ। और आगे कैंप फायर होना तो चाहिए, मैं यहीं से तो आया था यार ये जंगल मुझे। हाँ मिला 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 मिला, तो यहाँ पर मुझे कैंप फायर मिल चुके हैं। अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पर चल के, इसमें से पहले थोड़ा सा पानी इकट्ठा नहीं हुआ, ठीक है, इसमें बारिश शायद हमारे जाते ही बंद हो गई थी। तो ये रहा कैंप फायर, बट कैंप फायर में मेरे पास पकाने के लिए खाना ही नहीं है ना, तो उसके अंदर आग लगाने का फायदा क्या है, तो थोड़ा बहुत पहले खाना इकट्ठा करते हैं। बाय द वे गाइस, मैंने नोटिस नहीं करा कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी सोना चाहिए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई, सही बता रहा हूँ। इसका सारा पानी पी लेता हूँ, एटलीस्ट थोड़ी तो अपने अंदर जो स्टैमिना वो बढ़ेगा, येलो मशरूम से भी बहुत तेज स्टैमिना बढ़ता है। और अभी जल्दी से ना मैं जो केव है वहाँ पर बेड था, वहाँ पर चल के जल्दी से जल्दी सोना पड़ेगा वरना मैं बस बेहोश होने वाला हूँ। जल्दी जल्दी प्लीज़, मुझे बेहोश नहीं होना। देखो भाई मैं चाहूँ ना तो कहीं पर भी सो सकता हूँ, बट आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, कोई भी इंसेक्ट काट लेगा फिर उसका जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चुपचाप से हम लोग यहाँ पे सोते हैं फटाफट से। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग ना सो के उठ चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है,
और यार मून कितना ज्यादा क्लियर दिख रहा है यहाँ से, असली में यार अब ऐसा नहीं दिखता बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। थोड़ी देर और सो जाता हूँ क्योंकि इतनी रात को बाहर जाने का फायदा नहीं है। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं सो के उठ चुका हूँ और बाहर काफी ज्यादा खतरनाक मौसम हो रहा है। मेरे को ना इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत शायद से पानी की। ये देखो भाई, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, तो मुझे जल्दी से ना पहले ये कोकोनट से भी काम चल जाएगा अपना। ये सारे पी लिए थे क्या मैंने? हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी है, इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी है। और बाहर अगर बारिश, ओ तेरी बारिश हो रही है, यहाँ से तो भर पेट पानी इकट्ठा हो जाएगा। अभी ना गाइस आगे के लिए निकलते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फूड पड़ा हुआ है और बीच रास्ते में भी हमें ऐसे बनाना वगैरह मिलते रहते हैं, तो उससे अपना काम हो जाएगा। यहाँ से पानी पी लेता हूँ और इसको भी मैं हार्वेस्ट करके रखता हूँ। गाइस अपने पास ना बैकपैक में मस्त जगह ही जगह है, मैंने काफ़ी सारे कोकोनट बाउल यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं क्योंकि अभी मुझे पानी की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैंने बड़ा वाला जो ट्रॉटर टॉयज का वो था ना, वो मैंने उठा लिया है। अभी फिलहाल हम लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं, तो वो जो रिवर जा रही है ना, मैं उसको फॉलो करते करते आगे जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रिवर के साथ साथ चलूँगा तो मैं कभी भी रास्ता नहीं भटकूंगा। और अकॉर्डिंग टू मैप अगर देखें ना गाइस, तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हम जब यहाँ पर आए थे ना तो सबसे पहले हमें ये ट्राइब विलेज मिला था, उसके बाद हम लोग एक केव में गए, केव के बाद ड्रग लैब पे आए, ड्रग लैब के बाद हमें दो केव मिली, यहाँ पे हमने क्रोकोडाइल को मारा, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। और हम लोग पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट हाँ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जगह को हमें जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करना है क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो होगा जो कि हमें इस जंगल से बाहर लेकर जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आते जाते रहती है, मतलब जो यहाँ पर स्मगलर्स रहते हैं, छुप के इलीगल काम करते हैं, उनका यहाँ पर आना जाना है। फिलहाल आगे रास्ता बंद है बट काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा वाटरफॉल है, बट हाँ यार कितना ही प्यारा हो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें रिवर पार करके ना मेरे हिसाब से उस साइड जाना चाहिए क्योंकि मैं उस साइड अभी तक एक बार भी नहीं गया, क्या पता। ओह वाह, ऊपर से कोकोनट गिरा, लेट्स गो। इसका मैं पानी पी लेता हूँ, रुक जाओ, डायरेक्ट से बाहर ही बाहर से पानी पी लूंगा, मुझे उठाने की जरूरत नहीं है। और कोकोनट है ऊपर, एक आध गिराते हैं नीचे, रुको, आ जा भाई। ओके एक आ गया, ये मेरा स्पीयर उठा लेता हूँ मैं, ये दूसरा वाला कोकोनट भी मुझे नीचे गिराना है, लेट्स गो। ओह निशाना कच्चा था, स्पीयर पता नहीं कहाँ गया। भाई यार वो थोड़ा सा रेयर स्पीयर था सही बताऊं तो, दूसरा स्पीयर बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको उठा के मैं अपने बैग में रख लेता हूँ, काश यार वो मुझे मिल जाए ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊँ तो। बाकी हाँ मुझे अभी यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है इस वाले रास्ते पे क्योंकि मुझे अभी यहाँ से कुछ भी करके बाहर निकलना ही निकलना है। यहाँ पर एक रास्ता लेफ्ट को तो जा रहा है, शायद ये रास्ता ऊपर ऊपर जा रहा है क्या। वैसे गाइस आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि बोन रॉप और शायद से लीव्स का यूज करके मैं अपने लिए एक आर्मर बना सकता हूँ, तो आगे चलकर अगर मुझे बोन मिलेगा ना तो मैं ट्राई करूंगा यार एक आर्मर बनाने का। बाकी हाँ अपने बैकपैक में बिल्कुल जगह ही नहीं है यार। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना ऊपर को एक रास्ता जा रहा है, मुझे एक बारी तो इस रास्ते पे आगे जाकर देखना चाहिए। बाकी यहाँ पर सांप जी बैठे हैं, इसकी ऐसी की तसी मार दिया मैंने से, और यहाँ पर मुझे मिल गई है टोबैको लीव्स। ओके गाइस, तो बिना फिलहाल मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत बैंडेजेस बना के बैग में रख लिया है ताकि अगर हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट तुरंत कर दें। और इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने पास हो गई है ना, ये भी सांप काटे या फिर कुछ भी हो, हमें कोई भी मरने से नहीं, मतलब कि कोई भी मार नहीं पाएगा। क्या बोलने जा रहा था, लेट्स गो। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से काफ़ी सारे फ्रूट मिल चुके हैं, ये छोटा सा भेड़िया सा जा रहा है और कुछ अजीब सी केव मुझे यहाँ पर दिखी है जो कि सच्ची में बिल्कुल भूतिया लग रही है भाई, सही बता रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अभी अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। वैसे देखो यार अगर अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो अंदर जाने का रिस्क उठाना होगा। बाकी ज़मीन पे थोड़ा बहुत देख के चलूँगा, कोई बिच्छू विच्छू ना काट ले मुझे, पता चला लेने के दिन। मैं डर क्यों रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है उससे बचने के लिए, ठीक है। मैं आगे नहीं जा पा रहा, वेट, अच्छा पत्थर था, ठीक है, आराम आराम से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। भाई ये कितनी ज़्यादा पतली सी है, मैं इसमें आ कैसे गया, मुझे तो ये नहीं समझ। ओ वेट आगे भी है, मुझे लग रहा था बंद हो गई। ओ नहीं 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 नहीं, वो आसपास है, अच्छा स्पाइडर है, बिच्छू नहीं है स्पाइडर है। वेट रुक जाओ, इसको मुझे मारना होगा, थोड़ा दूरी बना के ही मारूंगा, पता चला जंप करके आ जाए। मर गई, ये रहा बिच्छू, तू क्या इधर आ, इनका फिक्स है ये लोग यहाँ पर होंगे। बाकी मैं खाली पीली इस केव में आ गया हूँ, कोई भी खास रास्ता नहीं है यहाँ पे, मतलब बस ऐसी बंद केव थी खाली पीली, अपने ऐसे मतलब ऐसा छुपने के लिए कैंप फायर वगैरह बनाना हो तब हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बट हाँ मुझे यहाँ पर अभी रेस्ट नहीं करना, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं टाइम के हिसाब से काम करूँगा। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, अगर शाम के 4 या 5 बज जाएंगे ना तो मैं अपने लिए एक शेल्टर बनाऊँगा क्योंकि उसके बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और अगर हमने गेम सेव नहीं करी ना तो रात भर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी।
बाकी मुझे अभी तक कोई भी खास जगह नहीं मिल रही। पता नहीं यार मुझे क्यों ये जंगल एक्सप्लोर करने में इतना ज्यादा मजा आता है, मतलब वैसे है ही इतना ज्यादा बढ़िया, इतनी सारी अलग अलग। वेट गाइस, मैं अभी ट्राइब वाले मतलब कि जो आदिवासियों की घर है मैं वहां पे पहुंच चुका हूँ और वो मेरे शायद से आसपास ही हैं। मुझे यहाँ से हटना होगा, मैं भाग नहीं रहा हूँ डर के मारे, मैं पहले जा रहा हूँ अपना गेम सेव करने, ठीक है, क्योंकि और गेम सेव करने के लिए मुझे एक शेल्टर बनाना होगा, ठीक है। और एक शेल्टर, सिंपल शेल्टर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बैम्बू लीव से भी हो जाएगा। ओ वेट, आसपास कोई मक्खियाँ थी, ठीक है अभी हमें सीधा अंदर चलना है और यहाँ पर ना मुझे एक मस्त शेल्टर बनाना है अपने लिए। भाई साहब वहाँ पे ट्राइब के बंदे हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं पर वो लोग गाना गा रहे थे अंदर, मुझे क्लियर आवाज़ आई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे इतना अंदर जाके ट्राई बनाना चाहिए क्या शेल्टर, ये तो बहुत ज़्यादा ही अंदर आ गया मैं। रुको यार, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही बनाते हैं। हमें कोई इतना ज़्यादा डर नहीं मार रहा है इन लोगों से जो इतना अंदर जाएंगे। बेटा ऐसे ऐसे वेपन है ना, भर के मारूंगा फिलहाल। हाँ ये मैंने खोली नोटबुक, मुझे जाना है शेल्टर्स में। ये स्मॉल शेल्टर, इसमें पाम लीफ लगेगी 26 एंड ये थोड़ा ज़्यादा स्मॉल के नाम पे बहुत बड़ा शेल्टर है। सबसे सिंपल मुझे ये वाला लग रहा है, तो हम लोग ये वाला शेल्टर बना लेते हैं, बट मैं इसे इधर नहीं इधर बना सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर खूब सारी स्टिक्स लगानी है जो कि मैंने लगा दी, कुछ लॉन्ग स्टिक्स लगानी है और उसके बाद मुझे इसके अंदर पत्तियाँ लगानी है। तो पहले हम लोग स्टिक लेकर आते हैं। ओके, तो ये काट दिया मैंने वाला पेड़, अब हमें इसमें से काफ़ी सारे स्टिक्स मिल जाने चाहिए। यहाँ पे एक लॉन्ग स्टिक मिल गई, इसके अंदर लॉन्ग स्टिक भी लगने वाली है बट शायद से पहले नॉर्मल स्टिक लगेगी, तो इसको मैं नीचे फेंक देता हूँ और एक छोटी वाली स्टिक लेकर आता हूँ। 1 2 3। ओके गाइस, तो मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है सारी की सारी, मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ जल्दी से। मुझे ये काम ना फटाफट करना होगा वरना ट्राइब के बंदे आ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, वो आदिवासी बहुत डेंजरस हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लॉन्ग स्टिक भी लगा दी है सारी की सारी, अब बस मुझे यहाँ पर एक रस्सी बांधनी है। वेट, सामने वो बड़े वाला ट्री है ना, उससे मुझे मिल जानी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी, प्लीज़ यार ऐसे मत करो। हाँ ये लेट्स गो, एक मिल गई, एक एक्स्ट्रा के लिए रख लेते हैं, काम आएगी यार अपने, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दो रस्सियाँ उठा ली है, यहाँ पर अपनी गेम सेव करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग उन आदिवासी के पास वो देखने के लिए। पाम लीफ यही वाली होती है, चलो बगल में ही है, ये तो 2 मिनट में मिल गई। ओके, तो काफ़ी सारी पाम लीफ मैंने यहाँ पे काट दिया, एक उठाई, दो उठाई, तीन उठाई, चार उठाई, अब सारी की सारी हम लोग जल्दी से यहाँ पर लगा देते हैं। वेट यार, इन पत्तियों के बीच में कीड़े थे जो कि मेरे हाथ पे ना अभी काट लिए हैं, मुझे पहले उसका ट्रीटमेंट करना होगा वरना वो मेरे को कच्चा चबा जाएंगे धीरे धीरे करके। वेट मैं देखता हूँ कौन काटा है, यहाँ तो ठीक है ये वाला हैंड, यहाँ अबे ठीक तो है, दिक्कत कहाँ ही। ओ थेरी पैरों में काटा है, रुक जाओ, हाँ ये लगा देता, यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस जंगल में। ओके, तो अभी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओके, तो आगे से भी मैंने काफ़ी सारी पत्तियाँ उठा ली और जहाँ तक मुझे लगता है अभी इसके अंदर एक से दो और लगनी है। लेट्स गो, तो ये हो गया कम्प्लीट। मुझे इतने सारे कीड़े काटे थे ना तो मुझे अपनी बॉडी भी वॉश कर लेनी चाहिए, और इस टाइम ना मेरा सारा ध्यान उस तरफ में है कि वो ट्राइब के बंदे मेरे पास आना चाहे। यार पहले सो जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स गो, गुड मॉर्निंग गाइस, द नेक्स्ट डे। रात के टाइम पे भाई मुझे इतनी तेज भूख लगी थी ना, मतलब मेरा करेक्टर एकदम मरने की हालत में हो गया था, तो इसलिए मैंने सारे के सारे जितना भी सामान था ना मैंने सारा निकाल के बाहर फेंका ताकि पानी इकट्ठा हो, और इसमें से मैंने अभी पानी पी के अपनी हेल्थ बढ़ा ली है। मेरे पास जितना भी फूड था ना, ये देखो मेरा बैग देखो, मैंने सारा का सारा खा के ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। यार ये मशरूम मुझे खा लेने चाहिए थे, सारे ख़राब हो गए। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेरा गेम सेव हो चुका है, सब कुछ एकदम ओके है, बट मुझे आगे जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बैम्बू स्पीयर बना लेना चाहिए, बट आसपास तो बैम्बू है ही नहीं यार। रुको, हाँ वेट, मेरे को यहाँ पर ना एक लॉन्ग स्टिक मिली थी, उसके थ्रू हम लोग, मेरे पास वैसे पड़े तो हैं, क्या क्या पड़ा है मेरे को देखना होगा। मेरे पास इस टाइम पे मेरे पास बो है, तो बो से अपना काम हो जाएगा, बट मुझे एरो बनानी पड़ेगी। एरो बनाने के बाद मेरे पास फैदर्स हैं और मुझे चाहिए होगी स्टिक, तो मुझे इसे करना है क्राफ्ट, और इसमें शायद से लगेंगे दो फैदर्स और इससे दो एरो बन जाएगी। लेट्स गो, यहाँ पर मैंने दो एरो बना लिया, अब कोई भी मेरे सामने आएगा मैं उसका सामना कर सकता हूँ, और बना लेता हूँ। 1 2। ओके, तो मैंने एक दो कह के खूब सारी एरो बना ली अपने लिए ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी मेरी बॉडी में फिर से कोई प्रॉब्लम हुआ शायद से, रुको मुझे चेक करना होगा, कीड़े वीड़े चिपक गए होंगे, हाँ इनका हमेशा का है, कहीं भी खड़े रहो आके चिपक जाते हैं। ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। बारिश तो इस जंगल में आपको पता ही है हर दो दो मिनट में शुरू हो ही जाती है, फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारा पानी था ये हमने पी लिया है, अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से आगे। मुझे ट्राइब के बंदों से ना बेमतलब चेप नहीं होना है, मैं ना बस देखना चाह रहा हूँ
कि आखिरकार यहाँ पर उनका बेस है, उनका घर है, या फिर क्या है यहाँ पे। मतलब कि हमेशा यहाँ पर वो जादू टोना करने के लिए तो नहीं बैठे रहते, क्योंकि भाई वो थोड़े ना अलग टाइप के बंदे हैं यार। मतलब राक्षस तो नहीं है। ये देखो, ये देखो उनकी आवाज़ आ रही है। वो रे वो रे वो रे, वो देखो सामने बैठा हुआ है। गाइस मुझे नहीं पता कि अभी आप लोग देख पा रहे हो नहीं, यहाँ पर देखो वो बैठ के गाना गा रहा है। मैं साइड से निकलता हूँ, मुझे ना मेन एंट्रेंस जो है वहां पर से नहीं जाना। मेरे हिसाब से जो वो चिल्ला रहा है वो भाई साहब, पता नहीं भाषा कौन सी बोल रहे हैं, मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा। पर ऐसा लगा कि जैसे उसने मुझे डाटा, मतलब अलर्ट करा अपने बंदों को। मतलब डाटा तो नहीं, शायद उसने अपने बंदों को अलर्ट करा है कि यहाँ पर कोई आया है ऐसा करके। अबे कीड़े वीड़े मत काट लेना भाई, अभी वैसे हालत ख़राब हो रखी है, पता चला सांप वाप काट जाए इसे बेच। वैसे तुरंत कोई दिख, ये देखो देखो भाई मशरूम ही तो ले रहा हूँ, क्या हो क्या पिटे एरो है मेरे पास, बहुत गंदा मारूंगा मैं साइड से जा रहा हूँ। मुझे पीछे से जाने का कोई रास्ता ढूंढना है कि मैंने सही से देख पाऊँ। यहाँ पर कुछ और भी मशरूम है, लेट्स गो। ये मशरूम मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। आगे मॉलन एरिया है, इसको हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। अभी मॉलन एरिया की ना ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी। वेट यहाँ पर आगे कुछ तो अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना होगा। ये रास्ता बंद है, मुझे लग रहा था केव है, बट यहाँ पर कोई भी केव नहीं है। उस तरफ में एक आगे को जाने का रास्ता है, यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, बट अभी मुझे यहाँ से दूर नहीं जाना भाई। हो सकता है कि यहाँ पर मियाँ हो, इन लोगों ने उसे हिप्नोटाइज कर रखा हो। ओ वाओ ब्लू मशरूम, ये बहुत ज्यादा, मैं तो उनके ट्राइब में ही आ गया। ये मैं क्या कर रहा हूं भाई, मुझे मरना है क्या? क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं है वो अकेला, वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। देख लिया शायद उसने, नहीं यार वो बेमतलब अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, पता नहीं क्या मकसद है इन लोगों का। खैर यहाँ से मैं कुछ ये मशरूम उठाता हूँ, लेट्स गो। ये मशरूम आगे चल के अपने कहीं ना कहीं तो काम आने वाले हैं। सामने की तरफ में भी नहीं, नहीं सामने कुछ नहीं है भाई साहब। ये कैसी सी जगह पे आ गया हूँ मैं, ओए वो तेरी चुप, भाग यहाँ से। अबे ये कहाँ से आ गया, वेट ये तो एक जगुआर है। नहीं 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 पीछे हो अबे मर जाऊंगा मैं, पीछे हो जा भाई साहब। वेट भाई ये कब में आया, मेरी एरो वापस कर, मुझे इसका मीट खाना चाहिए या फिर नहीं। भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, मैं अपना दूसरा खाना बना लूँगा कि ले लूँ। जैगवार का मीट खाने से थोड़ी कोई दिक्कत होगी। कहाँ गया, हेलो तेरी बॉडी फाड़ के भी निकालता हूँ तेरा सामान भाई साहब। वैसे मैं थोड़ा डरा हुआ था उन बंदों से, और ये एक जैगवार नहीं था, ये एक मेरे को नॉर्मल टाइगर लग रहा है, पता नहीं यार। जो भी था मैंने इसे मार दिया, वो अच्छी बात है कि मैंने एरो काफ़ी सारी बना रखी थी। मैं थोड़ी बहुत ये खाता हूँ, मेरे को अपनी सबसे पहले बॉडी धोनी है, और मेरे को इसने कहीं पे काटा है, मुझे देखना होगा इसने कहाँ अटैक करा है मेरे। देखो सारे हाथ पैर गंदे हो गए दो मिनट में ही। वेट यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत। वेट इसका इलाज ये है, नहीं इसका इलाज क्या है फिर, मेरी बैंडेज नीचे गिर गई। रुक जाओ यार, मुझे पता करना पड़ेगा कि अगर एक टाइगर काटता है तो उसका क्या सोल्यूशन है। मुझे मेनली ना अभी इसमें ब्लीडिंग रोकनी है, तो इतना भी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, मतलब इसमें कोई खास इन्फेक्शन नहीं है, बस खून जो बह रहा है ना हमें उसे रोकना है। फिलहाल अभी जल्दी से जल्दी ना मुझे पानी ढूंढना होगा पीने के लिए, नहीं अपनी बॉडी वॉश करने के लिए। और मैं वापस आ गया, हो वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर वापस आके यार, मतलब कहाँ चले गए थे हम लोग, बट हाँ ठीक है। अबे पी क्यों लिया मैंने, गलती से पी दिया भाई, मेरा ध्यान कहीं और चल रहा है अभी, क्योंकि ठीक है ओके। तो अभी मैंने अपनी बॉडी वॉश कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर खूब सारा पानी है, ये पी लेता हूँ मैं, और यहाँ एक बारी गेम सेव कर लेता हूँ। यार देखो वो ब्लीडिंग तो ठीक हो गई, पर ये क्या हो रहा है मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता। वेट इस पर ये लगेगी क्या, इसका क्या सोल्यूशन होगा यार, मेरे पास पेन किलर्स भी नहीं है, ये इससे कुछ होगा यार। फीवर हो रहा है, मुझे थोड़ी देर सोना तो है, पर मुझे इसका इलाज पता करना होगा, वरना मेरा पूरा हाथ खत्म हो जाएगा। ओके गाइस तो भी मुझे इसका इलाज पता चल चुका है, तो मुझे यहाँ पर जो मैगोट्स होते हैं ना वो प्लेस करने हैं, जिससे कि वो जो जितने भी डेड टिश्यू हैं उसको खा जाएंगे,
फिर अपनी बॉडी में जो इन्फेक्शन है ना नहीं फैलेगा। मतलब जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ना पेड़ के आसपास बैठे रहते हैं, वो हमें ढूंढ के अपने हाथ के ऊपर रखने हैं ताकि वो हमारे हाथ के डेड टिश्यू को खा जाएं। भाई 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 यहाँ पर होने चाहिए प्लीज। यार बैड लक, यहाँ पर नहीं है वो। पता नहीं यार ये मुझे मैगॉट्स कहाँ पे मिलेंगे। वैसे शायद से ना कोई भी अगर एनिमल मर जाता है ना तो उसके आसपास मैंने नोटिस किया है कि मैगॉट्स उसकी बॉडी को खाते रहते हैं। तो अगर हमें कोई भी ऐसे एनिमल की डेड बॉडी मिलती है ना तो चांसेस है कि हमें वहाँ से मैगॉट्स मिल जाएं। बट एक एनिमल की डेड बॉडी मिलना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रेयर ही होता है कि हाँ कि किसी एनिमल की डेड बॉडी मुझे मिले। बाकी यहाँ पर पता नहीं कोई रास्ता जा रहा है नीचे को, ये कोई रास्ता नहीं है, ये अपना शायद से आगे वाला ही रास्ता है। यार क्या ही गलत सीन हो गया अपने साथ, मैं इस एनिमल को मार के छोड़ दूँ, क्या पता अपने आप मैगॉट्स कहीं ना कहीं से उठ के आ जाएं फिर इसकी बॉडी खाने लग जाएं। वैसे ऐसा हो सकता है शायद, मैं पता नहीं, मैं ट्राई करता हूँ इसकी। सांप था पीछे, बच गया मैं, ठीक है। बट यहाँ पर ना मेरी एक लीफ भी गिरी हुई है, मुझे इसे उठा लेना चाहिए। भाई कहाँ है, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा 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 इसमें बैठा हुआ, रुक जाओ मैं अपनी ये लिली ड्रेसिंग उठा कर ना यहाँ से निकल लेता हूँ। यार ये जैगवार ने मुझे काट के ना पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया। मैं यार बस एक एनिमल की डेड बॉडी ढूंढने के चक्कर में चलता चलता पता नहीं वहाँ से कितना ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। वो तो अच्छी बात ही है कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे मुझे येलो मशरूम मिल जा रहे हैं, वरना तो मैं कब का मर चुका होता। वेट, ओ भाई साहब यहाँ पे तो एक जीप एक्सीडेंट हो रखा है, ये मैं कहाँ आ गया। भाई भाई ये देखो, ये जो गाड़ियों के टायर के निशान थे ना जो मैं हमेशा जिसको फॉलो करते रहता था, वो गाड़ी यही थी। ये एक प्रॉपर यूएस है और इसका यहाँ पे आके एक्सीडेंट हो रखा है। मुझे यहाँ पर और कुछ खाने पीने की चीजें मिल गई है, यहाँ पर एक बाइडन है, उठा लेता हूँ। काफी सारी चीजें हैं, टूटा हुआ वॉकी टॉकी है, मुझे एक गैस कैन मिला है। क्या मैं इस गाड़ी को रिपेयर भी कर सकता हूँ क्या यहाँ से बाहर निकलने के लिए, पता नहीं यार। बट ठीक है, मुझे भी सर्वाइव करना है, किसी भी कीमत पे मुझे मरना नहीं है। मेरे को यहाँ पर खाना तो भी मिल चुका है, मैं टिक जाऊँगा थोड़ी देर, बट अपने पास स्टैमिना नहीं है। स्टैमिना गेन करने के लिए मुझे सोना होगा बाकी, हाँ या फिर कुछ हेल्थी, एकदम फुल हेल्थी फूड खाना होगा, तभी अपना स्टैमिना हमें वापस मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक रास्ता जा तो रहा है आगे को, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किस तरफ जा रहा है, और मैं अगर इस रास्ते को फॉलो करता हूँ तो मैं कहाँ को निकल। ओ वेट, यहाँ पे मुझे सामने, मैं बेहोश होने वाला हूँ यार। मैं क्या खाऊँ, कुछ है, मैं कच्चा खाना खा लूँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पानी 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 पानी, मेरे को कोकोनट मिल जाए यार, मेरे को पानी पीना भी सबसे पहले। वेट चेक करता, ओ भाई पूरी बॉडी में, ओ वेट वेट वेट, खाना मिला खाना मिला। भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जा रही है अच्छी अच्छी चीज़ें सही टाइम पर, तो ये खा लेता हूँ। बाकी गाइस अभी मैं समझ लो बेहोश हो गया, 3 2 1, क्योंकि अपने पास ना येलो मशरूम है ना वाटर है, मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ कहीं तो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, सामने कोई गुफा है यार, आसपास कोई नदी नहीं है क्या। बाय बाय बाय, ओ नहीं गया मैं, पर मैं मरूंगा नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके गाइस तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी पानी ढूंढना है, अपनी बॉडी वॉश करनी है। और ये कोई अजीब सा रास्ता है जिस पे मैं अभी आ चुका हूँ, पता नहीं यार अब ये रास्ता मुझे कहाँ पे लेकर जाने वाला है। ओ वाव, यहाँ पर कुछ बनाना है, ये मुझे लेने हैं जल्दी 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 जल्दी, सारे के सारे बनाना मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। भाई मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, अभी तक मुझे भी कोई भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली है। गाइस वो देखो सामने कुछ है वहाँ पे, मुझे मैंने अभी भी नोटिस करा, मैं पहले देख रहा था कि वहाँ पे वो लकड़ी कैसी सी लगी हुई है। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा अजीब सा मौसम हो रहा है, कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मुझे खुद कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ मुझे सामने कुछ तो अलग सी लोकेशन मिली है, यहाँ पे प्लीज़ यार मुझे कुछ और भी खाने का मिल जाए या फिर, ओ वेट ये तो एक एलिवेटर है ना हम लोग, ओ जनरेटर, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये स्टार्ट हो गया और ये एक प्रॉपर लिफ्ट है, इसका बटन मैंने दबाया। ओ भाई साहब ये लिफ्ट चल भी रही है, OMG, नाइस 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 नाइस, कि बनाना खाता हूँ मैं जब तक, हेल्थ भी बढ़ाएंगे और जिंदा भी जाएंगे। भाई मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी भाई अपने से कि अभी मैं जिंदा बचूंगा, बट हाँ हम लोग पता नहीं कहीं तो अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। मैं यहाँ से नीचे तो आ चुका हूँ पर ये जगह कहाँ लेकर जाएगी मुझे कोई आइडिया नहीं, पर मैं इसमें अटक गया क्या। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके मैं बिल्कुल सेफ हूँ, यहाँ से आगे बढ़ना है मुझे। कुछ नहीं नज़र आ रहा भाई, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ रास्ते जा रहे हैं आगे को, इसे फॉलो करता हूँ मैं। गाइस मुझे ना सामने की तरफ में एक और कैंप दिखा है, और ये जो कैंप है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा
अजीब सा लग रहा है। मुझे वहां पे जाना चाहिए या फिर नहीं? वहां पे पानी है, वहां पे पानी है। मैं जाऊंगा। ओ नहीं, मेरे चोट लग जाएगी मैं कूदूंगा तो। वेट, ये हॉरर जगह है। पानी प्लीज, ये पानी नहीं है, ये कीचड़ है। पता नहीं गाइस अभी हम लोग ये कहां पे आ चुके हैं, बट हाँ अच्छी बात तो ये कि हम लोग यहाँ पर अपना गेम सेव कर सकते हैं। गाइस बाकी आगे का ना हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी हो गई है हालत खराब। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 4 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक कर देना, बाकी गोल कंप्लीट कर दो। और मुझे जल्दी से ना कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या अगर मैं एक एनिमल को मारूंगा तो उसमें वो कीड़ा के चिपकेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी मुझे अपना इन्फेक्शन ठीक करना है वरना मैं ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाऊंगा। तो जाओ यार कमेंट्स में बताओ ऐसा हो गया या फिर नहीं। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं गाइस किसी एक और बढ़िया वीडियो में। गुड बाय।